नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खेत से अपने खेत से नील गाय को कैसे भगा सकते हैं। आज हम ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कि आप बिना खर्च के भी अपने खेत से नील गाय को भगा सकते हैं। किसान भाई, बहुत से तरीके आजमाते हैं, जैसे कि पटाखे फोड़ना, फरियाँ बांधना और जाली बांधना आदि तरीके आजमाते हैं नील गाय को अपने खेत से भगाने के लिए। लेकिन हम आज आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप बिना किसी खर्च के अपने खेत से नील गाय को भगा सकेंगे और नील गाय अपने आपके खेत के पास भी नहीं भटकेगी। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। और इससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, नील गाय कभी भी हमारे खेत में घुस जाती हैं, चाहे दिन हो या रात, और हमारे फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं और फसलों को नष्ट कर देती हैं। जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारी गेहूं की फसल को नील गाय खा चुकी हैं और फसल को नष्ट कर चुकी हैं। हम नील गाय की दिन रात रखवाली नहीं कर सकते, इसलिए हम आज ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिससे आपकी फसल को नील गाय नहीं खाएगी और उसके आसपास भी नहीं भटकेगी। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको नील गाय का गीला गोबर बीन कर लाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नील गाय का गीला गोबर है, इसको आपको इकट्ठा करना है। इसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से पत्थर पर पीसना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से पीस लो। नील गाय का गीला गोबर को पत्थर से रगड़कर उसको मतलब बुरबुरा कर देना है। इसके बाद आपको एक बाल्टी में पानी भरना है और उसके बाद आपको नील गाय के गोबर को उस पानी में डाल देना है। गोबर को उस पानी में डालकर अच्छी तरह किसी लकड़ी से हिलाना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। पानी में अच्छी तरह मिक्स करना है उसको। उसके बाद आपको अच्छी तरह इसको लकड़ी के सहारे हिला देना है। किसान भाइयों, इस तरीके से आपके नील गाय खेत के आसपास भी नहीं आएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, हाँ इस तरह। उसके बाद आपको अच्छी तरह से इसको अपनी जिस फसल में आपके नील गाय आती हो उसमें छिड़काव कर देना है। ये तरीका 100% काम करेगा। नील गाय का गोबर आपकी फसल में जिस स्थान पर रहेगा उस स्थान के आसपास आपके गोबर मतलब नील गाय नहीं आएगी और फसल को भी नहीं खाएगी। इस तरीके से आप बिना खर्च के अपने खेत से नील गाय को भगा सकेंगे जिससे कि आपके फसल के पास नील गाय नहीं भटकेगी और आपकी फसल सुरक्षित लगेगी रहेगी। तो किसान भाइयों, कैसा लगा तरीका आज का इस वीडियो में? इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरीके को ज़रूर आजमाएं, बिना खर्च के यह तरीका अपना सकते हैं आप नील गाय से छुटकारा पाने के लिए। धन्यवाद।